पीएसएल फाइनल में सिर्फ 3 रोज बाकी, टिकटें कम, शायकीन ज्यादा। 500 रुपए के टिकट के लिए दूसरे रोज भी बैंकों के बाहर लंबी कतारें। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के 5 खिलाड़ी लाहौर, 4 कराची पहुंच गए, कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पर सरफराज खुश, कहते हैं कामयाबी की वजह टीम का इत्तेहाद है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पीएसएल में सफर खत्म, कराची किंग्स ने 44 रन से हरा दिया। तीसरे प्लेऑफ में कराची किंग्स कल पेशावर जलमी से टकराएगी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों में तेजी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का लाया अमल तय किया जाएगा। फाटा अरकान की धमकी काम कर गई, आज वफाकी काबीना के इजलास में फाटा इस्लाहात पर गौर होगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान सरहद की बंदिश पर भी मुशावरत होगी। लाहौर में आग ने हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया, मजंग में घर में आग लगने से मियां बीवी और बच्ची जा बहक, फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे, भत्ताखोर समेत 61 अफराद गिरफ्तार, मियांवाली में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन, 52 अफराद जेर हिरासत।